आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनपद भदोही का पीडब्ल्यूडी विभाग बना हादसों का कारण, जानबूझकर आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौन। खबर जनपद भदोही के विधानसभा ज्ञानपुर अंतर्गत पाली बाजार से है, जहां सालों से बारिश शुरू होते ही ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग पर पाली बाजार में ताल तलैया जैसे दर्शन शुरू हो जाते हैं। बारिश अगर जमकर हो जाए तो अक्सर गाड़ियां फंस जाती हैं, बाइक सवार गिर जाते हैं, हादसों का शिकार हो जाते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस समस्या से पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर जनपद के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। हैरानी की बात तो यह है कि इसी रास्ते से होकर अक्सर जनपद के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि गुजरते हैं। ऐसे में इस समस्या से अवगत कराना तो दूर की बात है, उन्हें खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि जिला पंचायत से लेकर लोकसभा और विधानसभा के जनप्रतिनिधियों में जनता ने परिवर्तन कर विकास कार्य की जो अपेक्षा की, उस पर अब तक कोई खरा नहीं उतरा। हम पहले भी कहते चले आ रहे हैं कि जनपद का पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार अपनी मनमानी कर रहा है। जनपद में जहां भी सड़कें बनाई जाती हैं, नियमानुसार सड़क की लंबाई कितनी है, कब निर्माण शुरू हुआ, कब पूरा हुआ, कुल कितनी लागत आई, इस बारे में एक बोर्ड लगाकर जानकारी लिखी होनी चाहिए, ताकि जनता को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि सड़क का विकास अच्छी तरह से हुआ या नहीं, या अधिकारी और कर्मचारी जनप्रतिनिधि अपनी जेब भरने में लगे हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग को लापरवाह कहें या जरूरत से ज्यादा चालाक, क्योंकि ज्यादातर सड़कों के निर्माण के बाद ऐसे किसी तरह का बोर्ड नहीं लगाया जाता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जनता को सड़क में हो रहे भ्रष्टाचार का पता न लग सके। हालांकि यह नए भारत की जनता है साहब, सड़क में पड़ने वाली गिट्टी और डामर से सारा आकलन कर लेती है कि सड़क का निर्माण अच्छी तरह से हुआ या नहीं, या अधिकारी से लेकर राजनेता तक जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। जब अधिकारी कुछ गलत करते हैं तो जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व होता है कि जनता की समस्याओं को आला अधिकारियों से लेकर प्रदेश के आला कमान तक पहुंचाएं। लेकिन इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जनपद भदोही के जनप्रतिनिधि अपने करीबियों के यहां निमंत्रण पर निमंत्रण का चटकारा लिए जा रहे हैं और फेसबुक पर यह लिखकर पोस्ट करते हैं कि आज इस गाँव में इस व्यक्ति के यहाँ जनपद में विकास कार्य व समस्याओं पर चर्चा हुई। जाहिर सी बात है, जब समस्या फेसबुक पर सुनी जाएगी तो समाधान भी फेसबुक पर ही होगा। साहब, एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जनपद में समस्याओं की भरमार है, पर मजाल है कि कोई पत्रकार इस मामले पर सही आवाज उठा सके। अगले ही दिन उसके खिलाफ षड्यंत्र पर षड्यंत्र रच कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर ली जाएगी। जनपद भदोही के कुछ लोग अपने इस मंसूबे में कामयाब हो ही जाते, लेकिन सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जनपद भदोही में इस समय जिलाधिकारी और SP सख्त हैं, ईमानदार हैं, इसलिए किसी भी षड्यंत्र और चापलूसी वाली दाल गलती ही नहीं। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक जनपद भदोही में अब तक बाहरी नेताओं का दबदबा रहा है। इसका कारण यह है कि जनपद भदोही के ज्यादातर राजनेता अब तक जनपद वासियों की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। इतना ही नहीं साहब, आप किसी अधिकारी से उसके विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, आग बबूला हो जाता है, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाने लगता है। हास्यास्पद है कि आम जनता तो ठीक है, लेकिन फिर चौथे स्तंभ का स्थान कहाँ है, चौथे स्तंभ की गरिमा कहाँ है। कुछ अधिकारी तो कहते हैं कि हम पढ़ लिख कर आए हैं। ऐसे अधिकारियों के लिए बता देना चाहता हूं कि पत्रकार बनने का मतलब है जीवन में चुनौतियों का सामना करना, और शायद पत्रकार किसी अधिकारी से कहीं ज्यादा चुनौतियों का सामना करता है। वर्तमान में दिग्गज पत्रकारों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार IAS और PCS जैसे बड़े गरिमामय परीक्षाओं में विफल होने के बाद देश सेवा की इच्छा रखने वाले कई नौजवान इस समय पत्रकारिता के माध्यम से जनता की सेवा करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आकाश भूमि न्यूज। नहीं, यह विगत कई वर्षों से ये समस्या पाली बाजार की बनी हुई है, और इसके पहले पानी निकासी के लिए कई प्रयास किया गया। बीच में चूंकि मार्केट है, लोग अपना आवास बनवा दे रहे हैं, आज जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम पिछले बार भी PWD XCS कहे थे कि हाँ ऊंची सड़क कर दी जाए, पत्थर वाली, बार बार सड़कें टूटती हैं। अब कल जिला पंचायत की बैठक है, उसमें मैंने प्रस्ताव के लिए अंजनी जिला पंचायत सदस्य को भी कहा, और यह बड़ी विकट समस्या है पाली बाजार की, और अगर इसका त्वरित उपाय कोई नहीं किया गया, एक नाले की आवश्यकता है, यहाँ एक नाला बनवा दिया जाएगा तभी इसका समस्या का निदान हो पाएगा। और बहुत गहन लोगों के घर भी गिरते हैं इससे, पानी जल जमाव से। अभी तो हल्की बारिश है, बड़ी बारिश आएगी तब समस्या यहाँ ज्यादा कर। क्योंकि आप भाजपा नेता है, भाजपा की सरकार है, आप तो कह भी सकते हैं कि यहाँ की जो समस्या है निदान करा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने बात किया इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष से भी बात किया टेलीफोन करके, चूंकि हम सत्ता में
विपक्ष की भूमिका नहीं, लेकिन इसमें हमने बात किया और कल जिला पंचायत बैठक है, इसमें नाले का प्रस्ताव मैंने दिया है और पीडब्ल्यूडी एक्सीजन से बात किया कि त्वरित इसकी कोई व्यवस्था की जाए। चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए। आए दिन लोग परेशान होते हैं, लोग गिरते भी हैं, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। इसलिए हम यही करना चाहते हैं सरकार से कि यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त कराया जाए। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।